एंड मैं आज एक बुनाई का सैंपल लेके आई हूँ, आप लोगों को बताऊँगी कि ये डिजाइन कैसे बनना है। तो चलिए, ये डिजाइन हमारा पांच पांच के फंदों पे बनेगा, पांच पांच फंदों के मल्टीपल पे। और इसमें मैंने यहाँ पे 25 फंदे लिए हैं, अपनी निडल पे मैंने 25 फंदे लिए हैं और 10 नंबर की सिलाई है ये। और ये बेबी वूल है मेरे पास ये वाली, तो मैं आप लोगों को डिजाइन बनाना बताऊंगी। और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही आसान डिजाइन है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको बनाना कि कैसे बनता है फंदा। पहला फंदा हम बुनेंगे और थ्रेड आगे करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए और थ्रेड को पीछे करेंगे। और ये चार सिलाइयों का डिजाइन है ये, और पांच फंदे हमने सीधे बनाने हैं, दो तीन चार पांच फंदे, यही रिपीट है हमारा यहाँ तक। सात फंदे ही हमने इसी तरीके से यहाँ पे हमने रिपीट करने हैं, दो उल्टे पांच सीधे, दो उल्टे पांच सीधे। तो मैं यहाँ तक कर लेती हूँ इसको, दो उल्टे। तो ये हमारी सेकंड रो बैक साइड से, उल्टी साइड से है। तो ये पहला फंदा जो इधर हमने सीधा बुना था, इधर उल्टा आएगा, ये वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। और जो उधर से हमने सीधी तरफ से उल्टे बुने थे, इधर से सीधे बुनेंगे दो फंदे। और जो हमने सीधी तरफ से ये पांच फंदे सीधे बुने थे, इधर उल्टे हैं, तो इनको उल्टा बुनना, लेकिन ऐसे नहीं, इस तरीके से बुनेंगे इनको, उल्टों फंदों को। एक फंदे के ऊपर हम दो बार ऐसे ऊन को रोल करेंगे, अपनी सिलाई के ऊपर रोल करना है। फिर दूसरी बार दो फंदों पे हो गया हमारा रोल, फिर तीसरी बार, चार बार, ये पांच बार। और जो फंदा यहाँ पे दो हमारे इधर उल्टे हैं, तो इधर रॉन्ग साइड की तरफ हमारे सीधे हैं। इस तरीके से हमने बुनना, फिर थ्रेड अपनी तरफ करेंगे। और उल्टों फंदों पे, जो उल्टे फंदे हमारे हैं, उनको हमने एक एक करके पांचों को दो दो बार हमने इस तरीके से करना है। इस तरीके से हमने दो दो बार रोल करना है। ये हमारी डिजाइन की सेकंड रो है। और थ्रेड पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदों को इस तरीके से हमने रोल करना है, ना तो ढीला रहे ना टाइट रहे। एक दो तीन चार पांच फंदे और थ्रेड पीछे करके और लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ जाइए हम राइट साइड पे, हमने क्या करना है ये देखिए, इस तरीके से ये आएगा। पहला फंदा तो हम सीधा बुनेंगे और थ्रेड आगे करके दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे और थ्रेड को हम पीछे करेंगे। पीछे करने के बाद जो हमने रोल किए हैं इन फंदों को उल्टी तरफ से, अब सीधी तरफ से हम इन फंदों को खोलेंगे, इस तरीके से खोलेंगे, ये लंबे लंबे आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से लंबे लंबे आ जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इन फंदों को, पांच फंदों को हमने जो रोल किए थे, हमने वो खोल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, बाएं हाथ की सिलाई पे हमने इन पांचों फंदों को इस तरीके से हमने डाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने निकाल लिए फंदे। और फिर हमने क्या करना, जो हमारे पहले तीन फंदे हैं ये वाले,
इनको हमने आगे से इस तरीके से डालना है, इस तरीके से और ऐसे कर देना है। फिर हमने अपने बाएं हाथ की जो सिलाई है इसके ऊपर हमने निडल पे इस तरीके से हमने इनको डालना है। ये पांचों फंदे हमने इस तरीके से डाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने पांचों फंदे डाल लिए, ये देखिए। और इनको हमने पांच फंदों के हमने पांच फंदे बनाने हैं, ये देखिए इस तरीके से। और थ्रेड को फिर हम आगे करेंगे, एक जाली के साथ बनेगा, एक बुनाई के साथ। इस तरीके से ये फंदे हमने गिराने नहीं अभी, ये थ्रेड को आगे करेंगे, मतलब कि तीन बार बुनेंगे। तो हमारे ये दो जाली के साथ, एक पहले ऐसे ही बुना था, तो ये हमारे पांच फंदे हो गए। ये देखिए एक दो तीन चार पांच फंदे हो गए। ये देखिए मैं पास करके दिखा रही हूँ आपको। फिर हम थ्रेड को आगे करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे। फिर थ्रेड को पीछे करके हमने इन पांच फंदों को खोलना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने खोलना है और इन पांचों फंदों को हमने लेफ्ट साइड के निडल पे हमने उतार लेना है। और फिर हमने जो हमारे दाएं हाथ की सिलाई है, निडल है, इसके ऊपर हमने आगे से तीनों फंदों को हमने इस तरीके से डालना है। इस तरीके से डालने के बाद हमने ऐसे कर लेना है, ध्यान दीजिए इस पे। ये देखिए इस तरीके से हमने घुमा लिया। और फिर हमने बाएं हाथ की जो हमारी निडल है, ये देखिए ये वाली जो है, और दाएं हाथ के निडल के जो फंदे हमारे तीन हमने घुमाए, इनको इस तरीके से डालना है। ये देखिए इस तरीके से ये तीन फंदे हैं हमारे, ये देखिए, और दो ये वाले फंदे, इसको ऐसे। अब इसको हमने बुन लिया, एक फंदा बन गया। फिर थ्रेड आगे करेंगे और फिर ऐसे ये तीन फंदे हो गए, ये देखिए एक दो तीन। फिर थ्रेड को हम अपनी तरफ करेंगे, फिर लेकिन तीन बार बुनेंगे, दो बार हम थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे, तो ये हमारे पांच फंदे हो गए। ये देखिए एक दो तीन चार पांच फंदे। फिर थ्रेड आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे। फिर थ्रेड को पीछे करेंगे, एक दो तीन चार पांच। देखिए इस तरीके से लंबे लंबे आ जाते हैं ये। और ये तीन फंदे हमने आगे से डालने हैं इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे ये घूम के फंदे। और फिर हमने ये दो फंदे ये वाले हैं, और ये तीसरा जो तीन फंदे हमने इस पे उतारे, इनको फिर वापस लेना है और इनको इस तरीके से पांचों फंदों के इस तरीके से डाल लेना है। एक फंदा बुन लिया, ये दूसरी बार हम बुनेंगे थ्रेड अपनी तरफ करके जाली के साथ। ये देखिए तीन फंदे हो गए, ये देखिए एक दो तीन। फिर हम थ्रेड को आगे करेंगे, फिर इसको बुनेंगे, तो ये दो फंदे ये हो गए, अब हमारे पांच फंदे हो गए, तो उतार देंगे। तो थ्रेड को आगे करेंगे, दो उल्टे फंदे, थ्रेड को पीछे करके लास्ट का फंदा हमारा सीधा है, तो सीधा बुनेंगे। अब आ जाइए बैक साइड पे। बैक साइड पे हमने क्या करना है, जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनेंगे। जब स्टार्टिंग का फंदा हमारा उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, दो सीधे फंदे हैं वो सीधे बुनेंगे, थ्रेड आगे करके पांच फंदे हम उल्टे बुनेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने पांच फंदे उल्टे बुन लिए हैं, ये देखिए। तो यही रिपीट हमने यहाँ पे करना है, तो मैं इसको कर लेती हूँ। चार सिलाइयाँ बुनाई की बुन के कम्प्लीट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड इसमें मैंने 25 फंदे लिए थे ये वाले, जैसे मैंने पहले बताया भी है कि ये पांच पांच के मल्टीपल पे बनता है, और साइडों पे हमने एक एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है। तो अगर फ्रेंड आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले देखने को मिल सके।
और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप लोग वीडियो देखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो कैसी रही। तो मैं एक बार और बता देती हूँ आप लोगों को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पांच फंदे हमारे सीधे हैं, सीधी तरफ से ये डिजाइन की हमारी पहली रो है। तो इसी तरीके से चार चार सिलाइयों का ये, चार चार सिलाइयों की ये हमारी ये डिजाइन है ये। इधर से ये हमारा पहला फंदा है उल्टा है, और ये चार दो फंदे हमारे सीधे हैं, और ये वाले फंदे उल्टे हैं। इन पे हमने फिर इस तरीके से डबल रोल, इस तरीके दो बार हमने अपनी सिलाई के ऊपर हमने दो बार इनको घुमाना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने परिवार में अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। इस तरीके से सात फंदों का ये हमारा रिपीट है, वही पूरे जितने भी हमने फंदे डाले होंगे हमें ये सात फंदे ही रिपीट करते हुए चले जाना है। वन टू थ्री फोर फाइव, और ये दो फंदे हमारे सीधे ये थ्रेड अपनी तरफ करके इन पांच फंदों को हम दो बार इस तरीके से रोल करेंगे इस तरीके से। एक दो तीन चार, चार हो गए, और ये लास्ट पांच इस तरीके से थ्रेड हम बैक करेंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे, थ्रेड अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। तो आ जाइए अब हम यहाँ पे थर्ड रो पे आ गए हैं बुनाई की। तो पहला फंदा सीधा, थ्रेड अपनी तरफ करके दो फंदे हमारे उल्टे हैं जो बुनाई के गैप के हैं, जो ये दो फंदे हमारे, और इन फंदों को जो हमने रोल किया था पांचों फंदों को हम इस तरीके से एक एक करके खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने खोल दिया, और इन फंदों को हमने इस वाले नीडल पे डाल लिया है इस तरीके से, ऐसे घुमा ले, ऐसे डाल लिया। फिर बाएं हाथ की सिलाई पे इन तीन फंदों को डाल लेंगे, और इस वाली सिलाई से ये वाले दो हमारे फंदे हैं जो, इसको भी हम इस तरीके से ले लेंगे, और पांचों फंदों को हमने एक साथ बुनना है। एक बार बुना, फिर थ्रेड आगे करेंगे, दो बार बुना, तीसरी बार बुना, बस यही रिपीट हमने इधर भी ऐसे ही जिसने हमने फंदे डाले ऐसे ही करना है। ये देखिए इस तरीके से, वैसे ही हमने चार सिलाइयां दोहराते जाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो जाएगा। और ये डिजाइन है जो हमने बता रही हूँ, ये डिजाइन आप जेंट्स स्वेटर पे भी डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर पे भी, कार्डिगन पे भी डाल सकते हैं, बच्चों की सॉक्स में भी डाल सकते हैं, कैप पे भी, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये देखिए इस तरह ऐसे कर लिया, फिर इस डाल लिया। ये देखिए इस तरीके से करना है, एक बार मैं फिर बता रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए फिर
ये वाले फंदे हैं ना जी, जहाँ पे हमने ये दो फंदे डाले हुए इससे, और ये वाली सिलाई के फंदे फिर हमने अपने बाएं हाथ की सिलाई पे ले लेने हैं, और जो राइट हैंड की जो हमारी सिलाई के फंदे हैं और ये हैं, और इसको भी हमने इस तरीके से हमने डाल लेना, पांचों फंदों को हमने इस तरीके से डाल लेना है इसकी, इस तरीके से एक बार, दो बार जाली के साथ, फिर हमने दो फंदे बढ़ा लिए, ये देखिए पांच फंदों के पांच फंदे बनाने हमने, तो ये देखिए एक दो तीन चार पांच फंदे, थ्रेड आगे करेंगे, दो फंदे हमारे जो गैप के हैं उल्टे, उनको उल्टा बुन लेंगे, थ्रेड पीछे करके इन पांच फंदों को हम खोल लेंगे, फिर इनको हम इस सिलाई पे डाल देंगे पांचों फंदों को, ये देखिए इस तरीके के ये बड़े बड़े आ जाते हैं ये, और आगे से हमने इस तरीके से डालना है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए फिर ऐसे उतार दिया। उतारने के बाद आप इसी सिलाई पे रहने दें इन फंदों की, इस तरीके से फिर अगले फंदे इस तरीके से डाल लें, फिर इनको इस सिलाई में ऐसे डालना है जो पांचों फंदे हमारे इस तरीके से, और पीछे से हमने बुनना है इनको पीछे से इस तरीके से, एक दो ये तीन बार थ्रेड आगे करेंगे, गैप के दो फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, लास्ट का फंदा हमारा सीधा। तो इसी तरीके से हमने ये बुनते जाना है और हमारा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, के आ जाता है। तो ये देखिए कितना सुंदर, देख जितना बुनने में आसान है उतना ही ये बनाने में भी आसान और देखने में भी खूबसूरत है। तो चलिए फिर फ्रेंड, अगर आप लोगों को आज की वीडियो मेरी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो के साथ एंजॉय करते रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।